हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज कुछ सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया है और सुबह उठ के थोड़ा वर्कआउट। अभी बज रही है 6 और मैं मेरा सुबह एक ग्रीन टी बना लेती हूँ तब तक, और ग्रीन टी बना के सीधी मैं बाहर वॉकिंग के लिए निकल जाऊँगी। आज तो वॉकिंग करूँगी थोड़ी ज़्यादा और कल से फिर वर्कआउट प्रॉपर चालू करूँगी। वॉकिंग करके आए, फिर लगभग आपने आधा घंटा तो वॉकिंग की, तो आधा घंटा वॉकिंग करी तो साढ़े यानी 6:20 तक मैं बाहर निकली थी, क्योंकि मैं और हेली जी दोनों वॉकिंग कर रहे थे तो उनको भी निकलते निकलते टाइम हुआ, मुझे भी जाने में टाइम हुआ, तो 20 मिनट तो हो ही गए थे। तो 6:20 पर हम बाहर निकले तो हमने 30 मिनट वॉक की होगी, फिर थोड़ा सा योगा किया और फिर मुझे पता ही नहीं मैं कब लुढ़क गई। आधा घंटा ऐसा कुछ सोई, फिर वापस उठी, फिर घर के काम कर रही। उठा तो गया कल से, तो अब कंटिन्यूसली उठना है। अभी ठंड में तो हमने यानी सोचा था उठेंगे, पर ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, फिर कैंसिल किया। अभी कपड़े भिगा दिए हैं धोने के लिए, मम्मी पापा जा रहे हैं बाहर थोड़ा, और ब्रेकफास्ट भी मैंने बना दिया है और खाने की भी साथ में तैयारी कर देती हूँ। ज्योति थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि उसका भी कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए आज तो ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर इसके बाद कितनी देर हो गई तो मैं समझ रही थी आज तो मम्मी पापा है नहीं, तो आज तो भाई जी भी आने वाले हैं नहीं। मुझे तो पूरा यही था कि भाई जी नहीं आने वाले, फिर आ गए चलो। और मेरे कपड़े भी फाइनली पूरे लगभग धुल चुके हैं, बस एक बार और पानी के अच्छे से वो हो जाए, पानी में से पूरा गंदगी लास्ट में निकल जाएगी और जो सर्फ होगा वो भी निकल जाएगा। और अब खाने की कर रही हूँ मैं तैयारी। अब खाने में कुछ भी फिक्स नहीं अभी तक, मैं क्या बना, सब्जियाँ भी नहीं हरी, कल ऑयलिंग की थी तो हेयर वॉश भी करना है आज। एक बार चिकू को कॉल करके पूछ ही लेती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि वो बता देंगे तो सॉर्टेड रहेगा, बनाई देंगे सीधा। ऑल टाइम फेवरेट मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी, सिंपल ही खाना बनाया है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और हेयर वॉश भी करना है थोड़ा, मुझे आज टाइम वैसे ही लगने वाला है। और मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज क्योंकि आंटी जी लेट है, क्योंकि मैं अकेली थी, काम करवा के जाना था। ये दो रूम में भी हो जाता है तो रूम्स लॉक करके चली जाती हूँ, बट लेट ही हो गए पूरे आंटी जी, मैं भी उनके पीछे लेट हो गई हूँ। खाना बन गया है और मैं नहा के भी निकल गई हूँ। खाना बना रही थी इसलिए बाल बांध दिए थे, अभी खोल दिए, मेरे को क्या पता गीले बाल बांध देती हूँ सिर चढ़ जाता है। तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि चिकू तो है शॉप पे थोड़े बिजी, थोड़े क्या बहुत बिजी है। और सैलेड तो मैंने खा लिया है इसलिए, अभी मैंने कैमरे में देखा चिकू घर के लिए निकल गए तो जल्दी में ही होंगे, तो मैं खाना भर ही देती हूँ साथ में, और साथ में खाना खाने का मज़ा कुछ और है यार। और चिकू के फेवरेट सब्जी है, अब उनको आज भाती है कि नहीं भाती है क्या पता। खाना खा लिया है, अब चलती हूँ शॉप के लिए। और मास्क का शॉप पे ही भूल गई थी कल, तो ले लूँगी शॉप से ही मास्क। तो बेटी तो अभी चिकू लेके आए हैं, मैं एक्चुअली क्या गुस्सा हो गई दुकान से इधर आ गई थी और पीछे शॉप पे कस्टमर थे तो वही अटेंड कर रहे थे, फिर आगे आके शुगर की एक वैनिटी बना रही थी ब्राइडल के लिए, और इतने में आ गया हमारे शुगर हमारे सलून का सामान जो कि है सब, ये हीट प्रोटेक्टर ग्लव्स वगैरह सब मंगवा दिए अभी। हाँ पफ वगैरह भी शानदार है, अच्छे हैं, देख अलग ही क्वालिटी है। मैं देख लेती हूँ ये मूंग दाल चने की दाल सब देख लेती हूँ। तो अभी हम अब मेरे को जाना था आज कल्याणपुर, और ये सब ये बिक्कू आ गया है, यश अभी गया है। ये देखो पेंट इसका फट गया, पहनने से हाथी जैसा सही कर दिया है। उदयपुर गया था फोन सही करवाने के लिए, जैसे ही स्टूल पे बैठा क्या इसका पेंट फटा है। ये सुपरमार्केट के ओनर है, ऐसे ओनर है, पेंट फाड़ के घूमते हैं। तू पूरी स्टोरी बता। मेरी बात समझ में नहीं आएगी इनको। स्टोरी बता शुरुआत से, क्योंकि परंतु इसलिए चालू कीजिए, क्योंकि ये जैसे बैठा था मोबाइल लेने गए हम, मैं खड़ा हूँ सामने, ये बैठा है यहाँ पे युगल के आराम से बैठा है, इसका पेंट यहाँ से पूरा फटा हुआ। मैंने वहाँ से एक बार देखा, क्या दिख रहा है ये आर पार सब कुछ, यू एक बार यू किया देखो दिखा रहा है ये क्या, मैंने भी यू कर दिया। वैदिक पूरी स्टोरी तेरी पता चल गई, ये पैंट अभी नया खरीदा है।
वैदिक और विक्कू और यश को तो यहीं पे छोड़ देते हैं, हम कार लेके यहीं पर वापस आएंगे और मेरा पर्स में ले लेती हूँ और कल जो भाभी के लिए सामान लिया है वो भी ले जाना है साथ ही साथ। एक मिनट कैमरा पकड़िए। ओ भाभी का फोन आ गया, घर पे आ गए, रेडी हो गए जाने के लिए। जो जो चीज़ें भी लेनी थी कल जो ये भाभी के लिए पार्सल पूरा लिया है, मम्मी का पार्सल, भाभी का नहीं है, तो मम्मी का पार्सल भी ले लिया है। और यश, विक्कू और वैदिक शॉप पे कर रहे हैं वेट एंड हम जाके उनको रिसीव करते हैं और फिर सीधा निकलते हैं कल्याणपुर के लिए। और ऑल सेट, क्योंकि आज रात को रुकना है, सो उसी के लिए पूरी तैयारी भी कर दी है वीडियो एडिट करने के लिए। अब क्या पता जिस मूड में जा रहे हैं वो वीडियो एडिट होगी कि नहीं होगी। यू लुक पर सो नाइस, बस थोड़े से दुबले हो जाओ। अभी निकल गए हैं शॉप करो के लिए और चाबी अपने पास ही है ना। ये बाय 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 वाली की थी, बाहर निकली नहीं ऐसे नहीं, तभी साथ में हो जाएगी। वो गेट बंद करना पड़ेगा। ओह शिट, हम पकड़ो, एक मिनट ना मेरे को आई जाने दो। वो गेट मैं खुला छोड़ के आई क्योंकि मेरे को साथ में लेके जाए। वैदिक समारा है कि नहीं समारा है पीछे? आ गया मैं, आ गया। पैंट फट तो नहीं रहा, ध्यान रख अभी भी। दूसरी सेटिंग तो नहीं है यू? ना ना, हमको दिया सक हुआ केएफसी में जाके फोन किया तो वो कहीं जाके यूं जलाएंगे, यूं करके फोन नहीं उठा रहे। तो अभी हम जा रहे हैं सब जने कल्याणपुर और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमारी कंपनी कुछ ऐसी है, फुल हंसते खेलते जाने वाले। खेलना चालू मत कर देना वहाँ पीछे। अरे जीजू मैं क्या बोलूं? क्या बोले? लेंस कार्ड में क्या? ठीक है, दो जोड़ी चश्मे निकाले। आप पढ़ के मेरे दे। अरे मेरी बात सुनो, मैंने कहा 2000 के हिसाब से दे, 2000 में दो जोड़ी मिल जाएंगे यो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छे अच्छे देख के मैंने निकाल दिए सीधा 8,700 रुपए का। मैंने कहा भैया घर जाके बात करता हूँ। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा इसमें लेंस भी नहीं लगवा रहे, कुछ नहीं लगवा रहे। मैंने कहा ये ग्लास से थे, कौन से थे आप? क्या देखो, क्या थप्पड़ मार दो क्या? 28 तारीख के बाद तो जीजू रहना ही पड़ेगा, 28 के दिन रहना पड़ेगा। देखो कोई नहीं, अगर आप आके जाना दो 29 को आपके जाना जा सकते हैं। चलो भाई चलो भाई चला 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 मेरे वो जीजू जोरदार गालियां दी, जोरदार किसी को समझ नहीं आया, जोरदार गालियां दी। ए भाई यार डर से खड़ा हो, डीजल खत्म है यो, धक्का मारना चालू करो भाई, डीजल खत्म है। क्या बेच कपड़ा बेचने आते हैं? हम वापिस से आ गए हैं कल्याणपुर। अब शादी की तैयारियां चालू है, चुकू यहाँ पे नेल पेंट लगाते हुए, टॉप कोट लगा रहे हैं ग्लोसी करने के लिए। और यहाँ पे बड़ी मम्मी नौरे गिरे हैं, वो मैं लेके पीछे गिरा है, अरे पहले गिरा दिए थे इसलिए, तो वो गिरा है तो लेके आई हूँ, वो स्नैक्स में लिए जा रहे थे। मम्मी पापा से करी जाएगी बातें और आज रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं, कल सुबह चले जाएंगे। अभी जस्ट मैंने रूम कर दिया है क्लीन और हम दोनों उठ चुके हैं और घर पे हिम्मी कर रही है वेट। कल भी फ़ोन आया था हिम्मी का शाशा शाशी करके, और अभी सुबह भी कॉल आ गया है उसका शाशा शाशी यूँ करके, आशु आशु यूँ करती है ना वो, तो बस उसका कॉल आ गया है। तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में घर के लिए। विटामिन डी नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, तो इतनी धूप है गजब की, सुबह का इतना प्यारा नज़ारा, साथ में इतना प्यारा नज़ारा, यानी इतनी ग्रीनरी और इतनी धूप, देख के मज़ा आ जाता है। यानी थोड़ी देर यही धूप में बैठना। चलती हूँ मैं एकदम नीचे, नीचे जाऊँगी, मैंने कुछ बना के रखा होगा तो वो खाऊंगी, तो चलते हैं अभी नीचे। चलिए, वो सारा चिकू का तामझाम है एडिटिंग का पूरा, तो चिकू लेके आएंगे, मैं मेला लेके जाती हूँ नीचे। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, मम्मी को पूछती हूँ। तो अभी हम निकल रहे हैं ऋषभ देव के लिए, मम्मी पापा बाहर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है और ये मम्मी ने मिट्टू के लिए अमेरिकन भुट्टे लिए। कैसे चिकू, लेट्स गो। ए ए ए एक दो चॉकलेट हो तो दे, मेरा वो हिमायत के लिए लेके जाऊंगी। नाक के दाते का
तो अभी भी नहीं रहे कैमरा वाइड एंगल है तो अभी सुपरमार्केट के ओनर घर से तो निकल गए और गाड़ी में बैठ के फिर निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये सब जने बाहर छोड़ने आते बाय बाय कहते कहते लगभग 10 से 15 मिनट उसी में निकल जाते हैं। और घर पे हिम्मी वेट कर रही है, हिम्मी के लिए ले ली है चॉकलेट जो कि उसको बहुत पसंद है, और आइसक्रीम और चॉकलेट ही तो उसको पसंद है, और तो क्या ही खिला सकते हैं उसको, तो उसके लिए ले ली है चॉकलेट। और अब सीधा मिलते हैं ऋषभ देव जाके, अगर नहाए हुए दिख रहे होंगे तो नहाए भी नहीं है। अभी आप हिमायरा का रिएक्शन देखना, हम आ गए हैं और उसके लिए मैं चॉकलेट लेके आई हूँ, जैसे ही देखती है कैसे करती है। रुको मैं उतर जाती के लिए क्या क्या कुछ है नहीं। हिम्मी के लिए मैं क्या लाई हूँ, क्या लाई हूँ मैं हिम्मी के लिए, हिम्मी शाशा हिम्मी एक पा एक पा एक पा बस अभी लेट रहा ना बाबा पर इधर आ जाओ, शाशा को गाड़ी डालनी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चाचा गाड़ी लेके आ रहे, इधर आ जाओ, आशु आशु इधर हिम्मी इधर, ओ घर में थोड़ी जाना है, इधर आ जाओ, अपन जा थोड़ी ना कहीं, नहीं नहीं जा नहीं रहे अपन, आशु आशु अमन भी शू निकल दे, चलो बंजर गोल गोल फरी थी पसे खोलियो गेट पसे मैं जुबे मैं हैस नहीं चाचा है वो भी तू तो आप मेरे को याद कर लेते हाँ सासी याद कर लेते बच्चा भी सारे घर का किया है काम आके क्योंकि काम वाली आई नहीं थी और हिमायरा तो आ रही है जा रही है, पूरे घर का काम किया तो इधर ये साथ में थी। हेमू क्या कर दो बच्चा, हेमू बता दो बा किसके बनाओगे, शाशा की है, पापा कर दो शाशा के कंघे को। अभी बज रही हैं 2:21 और मैं यहीं पर कर देती हूँ ब्लॉग का एंड क्योंकि आज हमारे घर पे आई नहीं है बाई जी और गेस्ट भी आने वाले हैं, सो इसीलिए सारा सब कुछ मैनेज भी करना है और कुछ यानी थोड़ा सा जो गेट टुगेदर है वो थोड़ा ज़्यादा का है तो सारा खुद ही को करना है, और एक तो साथ में बाई जी भी नहीं आई है तो घर का भी काम ऐड हो गया, तो सब काम करना है, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर अभी तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में, ओके बाय। नहीं यश को मैंने हटा दिया बेचारा, रोज होता है, एक दिन तो मेरी वजह से इसको कम से कम रेस्ट मिल ही सकता है।